हेलो गाइस, इट्स निटमिस्ट और आज का जो टॉपिक है वो काफी हद तक एनीमे रिलेटेड है। एक्चुअली उसका मेन इंटेंट बेवलेड के लिए ही है, बट स्टार्टिंग इज फॉर एनीमे। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो एक पेटिशन के बारे में, जिसके बारे में मुझे अभी कुछ 2 घंटे पहले ही मालूम गिरा है। मेरे काफी दोस्तों ने मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट है वो दिखाया, अल्टीमेट हकाई करके एक यूट्यूब चैनल है उसके बारे में। तो वो पेटिशन किसने चालू किया मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, पर वो पेटिशन ये जो मैंने वीडियो बोला उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थी और वो पेटिशन एनिमे रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि ये चीज को और आगे बढ़ाया जाए ताकि और लोगों को मालूम गिरे और वो ये साइन कर सके पेटिशन, क्योंकि इंडिया में एनीमे का जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा ही कम होते जा रहा है। क्योंकि जब मैं छोटा था तभी बहुत अच्छे से टीवी पे एनीमे आता था, जैसे कि बेब्लेड, फिर पोकेमॉन, ये सब चीजें मैंने टीवी पे देखने के बाद ही फिर मैं ऑनलाइन सोर्सेस पे जंप हुआ हूँ और उसके बाद मैंने बहुत सारे एनीमे देखे। बट पॉइंट ये है कि मैंने ये टीवी से ही चालू किया, बट आज के जो बच्चे हैं उनको जो एनीमे का जबरदस्त एक्सपीरियंस है और जो क्वालिटी कंटेंट होता है वो आजकल नहीं मिलता। और उसके अलावा जो भी कोई फालतू शोज रहते हैं वो उनको देखने को मिलते हैं, जिससे देखा जाए तो टीवी देखने का भी कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि एनीमे बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली और बहुत क्वालिटी कंटेंट होता है उसमें। जैसे कि आप बोल सकते हो नारुतो करके एक एनीमे था, वो अभी खत्म हो गया ऑब्वियसली, उसको काफी टाइम हो गया खत्म हो गया, बट वो एनीमे बहुत ज्यादा क्वालिटी एनीमे था, उसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट प्लॉट्स है, उसके बाद इंटरैक्टिव थिंग्स है एंड उसके गेम्स एंड ऑल भी काफी पॉपुलर है। तो ऐसे सब एनीमे पहले आते थे एक्चुअली कार्टून पे, और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं, मैंने ये बारे में थोड़ा पढ़ा भी, तो सोनिक जो ये चैनल है वहां पे इनके पास ये सब राइट्स है, वाईकॉम 18 करके जो मेन कंपनी है, तो उनके पास ये सब का राइट्स है कि वो ये एनिमेज ला सकते हैं। तो अगर आप ये पेटिशन साइन करते हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे एनीमे आता जाएंगे वैसे ब्लेडर्स के लिए भी, जो बेब्लेड फैंस है वो एनिमेज भी आएंगे, और अगर एनिमेज आएंगे लोग देखेंगे तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और वैसे ही उस पॉपुलैरिटी ग्रोथ की वजह से हमें भी एक टाइम के बाद इंपीरियल ड्रैगन स्टोर में मिलने का चालू हो सकता है। काफी लॉन्ग शॉट है बट ऑब्वियसली पॉसिबल तो है ही, क्योंकि एट द एंड एक बिजनेस ही है, तो जैसे उनको सेल्स आएगा वो ऑब्वियसली ये बात सीरियसली लेंगे। तो आज एक्चुअली टाइम है कि हम जो सब एनीमे लवर्स और जो बेब्लेडर्स है वो एक साथ जुड़ के ये पेटिशन साइन करें और दिखा दें उनको कि हाँ हम भी यूनाइट होके आपको बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड टीवी हम देखते हैं और उन्हें यही दिखाना चाहिए जो हमें देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आशा करता हूँ आप जरूर वो पेटिशन साइन कीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और मैं वो बेशक आंसर करूंगा, और कोई भी चीज रहेगी तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, क्योंकि ब्लाइंडली भी आपको पेटिशन नहीं साइन करना होता है, कभी कभी कुछ पूछना होता है तो आप पूछ सकते हो, मेरे टाइम में मैं उसको आंसर कर दूंगा, पर प्लीज वो पेटिशन साइन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह से एक यूनिटी भी दिख जाती है इंडिया में कि जो एनीमे फैंस है उनके बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आप जरूर ये पेटिशन साइन करेंगे और धन्यवाद।